रोटेशन का मतलब ये होता है, रोटेशन का मतलब ये होता है, जैसे ये बच्चा है, अब ये यो-यो नाच रहा है, ये क्या है? रोटेशन। ये क्या है? रोटेशन। क्लियर होगी बात? जब यहाँ से ये एक बार ये रोटेट करते हैं, ठीक है, तो एक दिन एक रात होती है, 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, कितनी देर में? 24 आवर्स घूमेंगे तब ये 24 आवर्स हुए। अर्थ हमारी जब एक बार घूमती है तब 24 घंटे होते हैं, एक दिन एक रात, ठीक है। लेकिन यही पे सन आ गया, ये है सन, ये क्या है? सन। ये क्या है? सन। ये क्या है? अर्थ। समझ में आ गई बात? ये सन है, ये अर्थ है। अर्थ का ज्ञान क्या होता है कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना। तो ये अर्थ है, अर्थ अगर यूं घूम रही है तो एक दिन हो रहा है ना, फिर यूं घूमी थोड़ी उधर भी देखी बढ़ती जा रही है, दूसरा दिन हुआ, फिर यूं घूमी तीसरा दिन हुआ, है ना, तो सन अपनी जगह पे खड़ा है ना, फिर यूं घूमी चौथा दिन हुआ, ऐसे कर करके ये पूरा ऐसे ऐसे नाचते रहते हैं। तो ये रोटेशन तो कर रहे हैं साथ में, ये क्या कर रहे हैं? रोटेशन कर रहे हैं ना, और ये साथ में देखिए कि चारों तरफ घूम के ये यही पे आ गए, अब एक साल हो गया। समझ नहीं बस? जब ये अपनी जगह पे नाच रहे थे तो एक दिन हो रहा था, ऐसे करते करते रोटेशन करते करते एक दिन, दो दिन, तीन दिन, है ना, चक्कर तो नहीं आ गया बेटा? चार दिन, पांच दिन, ऐसे ही कर, ये कितने रोटेशन हो रहे हैं? ये रोटेशन हो रहे हैं ना। तो जब ये रोटेशन करते समझाते बहुत अच्छे से, पूरा सन के चारों तरफ घूम के यहाँ पे आ जाते हैं, तब एक साल हो जाता है। तब एक साल होता है, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, और हर चौथे साल में 366 डेज हो जाते हैं, है ना। अच्छा, एक तो रोटेशन वाली बात समझ में आ गई, ये और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम के आगे, ये से रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। द रोटेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज रोटेशन, और रिवॉल्यूशन मतलब उसके चारों तरफ अराउंड द सन, उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर होगी बात? रोटेशन और रिवॉल्यूशन में फर्क पता चल गया, पंखा नाचता है, ये भी रोटेशन है। अच्छा, आपने एक एडवर्टाइज देखा होगा, एक बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी फरवरी में 28 डेज क्यों होते हैं? तो काजोल उनकी मम्मी होती है, क्या कहती है? कल बताऊ, लेकिन हम आपको आज बता दे रहे हैं, ठीक है। क्यों होते हैं 28 डेज, कोई बता सकता है? और चार साल बाद आप कैलेंडर में देखते होंगे, उसमें 29 डेज हो जाते हैं, फिर शैलेंद्र सर का बर्थडे आ जाता है, जो 29 फरवरी को पैदा हुआ है उसका बर्थडे चार साल में एक बार आता है, पता है आपको? क्योंकि फरवरी में 29 डेज जो होते हैं, 29वां जो दिन होता है वो हर चौथे साल में आता है। कैलेंडर में जाके देखिएगा, तीन साल तक लगातार उसमें 28 डेज रहेंगे, 28 डेज रहेंगे, 28 डेज रहेंगे, लेकिन जो चौथा साल होगा उसमें 29 डेज होंगे। बगल वाले क्लास में शोर हो रहा है, मना करिए, ठीक है। 28 और 29 में फर्क हो गया, समझ में आ गया? तो ऐसे हर साल तीन साल तक के जो है 365 डेज रहते हैं, लेकिन चौथे साल में 366 हो जाते हैं, वो उस साल होते हैं जिस साल फरवरी में 29 डेज होते हैं, ठीक है। जिस साल फरवरी में 29 डेज होते हैं उस साल 366 डेज हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? अब देखिए, ये 365 से 366 डेज कैसे हो गए, एक दिन कैसे बढ़ गया? तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब ये एक साल तक ये पूरा घूम गया है, ये एक साल हुआ, तो इसमें 365 डेज तो होते ही है, 365 डेज के साथ 6 घंटे और हो जाते हैं, कितने? 6 घंटे, 6 आवर्स और हो जाते हैं, ठीक है। 6 आवर हुए अभी ना, तो एक साल हुआ, एक साल 6 घंटे हुए, एक साल में पूरे वो 6 घंटे कहाँ पे एडजस्ट होते हैं किसी को नहीं पता चलता, लेकिन जो डेप्थ में स्टडी जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे होते हैं। फिर दूसरा साल देखिए, अरे आओ यार, ये 2 साल हो गए, 2 साल 12 घंटे, 6 घंटे एक साल में हो रहे थे, अगले साल 6 घंटे और हो गए, तो 2 इयर्स 12 आवर्स, ठीक। फिर तीसरा साल आप अपने आप में भी आपको नहीं बताते, अभी कितने हो गए? 3 साल 18 घंटे, 3 इयर्स 18 आवर्स, फिर अगर घूमेगी
अरे यार कैसे भी घूमती है, उठा ये कितने हो गए, 4 साल 24 घंटे, 14 साल में 24 घंटे बढ़ गए ना। तो वो जो 24 घंटे होते हैं आपको पता होता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक डे में, वन डे में 24 आवर्स होते हैं। तो आपको पता चलेगा कैसे एक दिन बढ़ गया पूरे 4 साल में, क्लियर होगी, क्योंकि हर साल 365 दिन हो रहे थे, नॉन लीप ईयर होता है, जिस साल 365 डेज होते हैं उसे नॉन लीप ईयर कहते हैं, और जिस साल 366 डेज हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लीप ईयर। वो लीप ईयर कैसे होते हैं आपको पता लग गया कि हर साल 365 दिन यानी 365 डेज प्लस 6 आवर्स और होते हैं ना। तो क्लियर हो गई बात, सबको डाउट क्लियर हो गया। तब वो जो काजोल जो होती है उनकी मम्मी बेचारी एडवर्टाइज को खत्म हो जाता, लेकिन आज तक उन्होंने आंसर ही नहीं दिया है ना, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वो मतलब उसको कुछ कह नहीं रहे, लेकिन एडवर्टाइज अगर आप बना रहे थे तो आपको एक दूसरा एडवर्टाइज बनाना चाहिए जिसमें आप ये बताते कि हाँ क्यों होते हैं, जो बच्चा बेचारा पूछ के अभी तक पता नहीं उसको जवाब मिला नहीं मिला है ना। तो आपको समझ में आ गया जवाब, ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। रोटेशन और रिवोल्यूशन में फर्क एक बार और आके बताइए, दूसरा बच्चा कोई कोई दो बच्चे निकल गए हैं जल्दी से। आइए दो बच्चे कौन आ रहे हैं जल्दी से आइए, इकरान अलीना मैम अंकल जी, तो रोटेशन और रिवोल्यूशन में फर्क बताएंगी। अच्छा इन दोनों में सन किसको मानेंगे आप, वैसे सन जो है अर्थ से बहुत बड़ा होता है, सन बहुत बड़ा होता है, सन अर्थ से 30 लाख टाइम्स गुना बड़ा होता है, 13 लाख गुना, कितना बड़ा होता है, यानी दुनिया अर्थ के सन के सामने इतनी सी है, इतनी बड़ी दुनिया सन के अंदर 30 लाख दुनिया है, सन के अंदर घूमता है, इतना बड़ा सूरज है, तो इसलिए सूरज को सूर्य काफी छोटी रखी है। आपको पता है स्पेस में 29 प्लैनेट्स होते हैं, सॉरी स्पेस में 8 प्लैनेट्स होते, पहले 9 होते थे, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना प्लैनेट मान के उसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया, हटाया नहीं गया, उसको हटा नहीं उसको गिनते नहीं है। तो अब ये क्या है, अर्थ, अर्थ ये सन है, ठीक है। चलिए अर्थ अपने आप को बताइए रोटेशन क्या होता है, अरे इधर पहले बताइए रोटेशन क्या होता है, चारों तरफ घूमना, अपनी लाइन में घूमना, रोटेशन में अपनी एक्सिस में घूमना, चलिए घूमिए, ये क्या है, अच्छा आप एक बार ये घूमे तो कितना हो गया, कितना टाइम हो गया, वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, तो अब आप पूरा घूमिए घूमते जाइए, अरे एक साल पूरा करिए घूमते, ऐसे नहीं यही देखिए कंफ्यूजन है, रोटेशन और रोटेट अर्थ जब घूमती है सर की चारों तरफ तो रोटेट करती हुई घूमती है, और एक्चुअल में और एक्चुअल में बताए आपको वो कैसे घूमती है, तुम बोला जाना पैर उठाओ, अरे इधर क्यों जाओ, अरे देखो ऐसे देखो ऐसे, अरे पैर उठाओ और उठाओ और हाँ, अर्थ ऐसे रहती है, ऐसे टेढ़ी रहती है, अब नाचो ऐसी, तो एक्चुअल में ये रोटेशन होता है, क्या होता है कि अर्थ जो है 20 कितने डिग्री हाफ घूमी हुई रहती है, 22 या 23 एंड हाफ डिग्री घूमी रहती है, इसको देखिएगा थोड़ा सा यू करके तो नाची आती है, चलिए नाचिए एक दिन थोड़ा करके एक बार करके, अच्छा देखिए ईस्ट टू वेस्ट होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है, जो अर्थ नाचती है तो वेस्ट टू ईस्ट नाचती है, किधर से किधर, एंटी क्लॉक, देखिए अगर ये खड़ी है, अगर ये आपके सामने देखिए क्लॉक कैसे चलती है, यूं चलती है ना, एंटी क्लॉक मतलब क्लॉक के उल्टा, अगर ये यूं चलनी है ये क्लॉक वाइज है ना, एंटी क्लॉक मतलब, ठीक है, तो ये यूं जाएगी वेस्ट टू ईस्ट है ना, पूरा घूम के आएगी, समझ में आ रही बात, तो बनाना चाह रही, तो सन क्या करता है आप लोग जानते होंगे कि खाली एक ही सन है स्पेस में, ऐसा नहीं है लाखों करोड़ों सन है, कितने सन है, पहली बार आप ये बताइए अर्थ पे कितने चांद है,
अर्थ पे मून कितने? अच्छा एक मून निकल गया, एक और तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, छोटा है मून, अर्थ से बहुत छोटा होता है। मून बनाओ और तुझे अर्थ को मून बना दीजिए। सर 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 अर्थ को मून बना दीजिए। चलिए ये क्या हो गई, ये मून हो गई। आप पता है, अब देखिए और ध्यान देखिएगा, यहाँ ध्यान देखिए, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? सर जो अर्थ हमारी है ये किसका चक्कर लगा रही है, और ये मून किसका चक्कर लगाता है? अरे वाह, समझ में आई बात? तो अर्थ जो, अरे जो ज्यादा दिन हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है? तो मून जो होता है 27 या 28 डेज मून में होते हैं, पता है आपको? मंथ मून के महीने में 28 कभी 27 समथिंग 29 डेज 30 डेज तक होता है, 30 डेज से कभी मून का महीना ऊपर नहीं जाता है। इसीलिए उर्दू के साल में डेज जो होते हैं 365 ना होके 657 58 59 या अप्रोक्सीमेटली यही कहीं पे रहते हैं। ये रोगी बात। अच्छा आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, आधे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, शांति से देखिए, एक पॉइंट। आने वाले सालों में आप ये पढ़ेंगे, सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स, ये पता है नहीं पता है? अच्छा देखिए हम बता दे रहे हैं, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? अच्छा देखिए आपको पता है अर्थ जो होती है वो सूर्य के चारों तरफ नाचती है, मून जो होता है अर्थ के चारों तरफ नाचती है। अब देखिए जब हमारी अर्थ सन के और मून के बीच में आ जाएगी, अर्थ जो है सन के और मून के बीच में आ जाएगी, तो सूरज की रोशनी क्या मून पे पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। तो ये जिस चीज पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वो चीज दिखाई नहीं देती है, उसके लिए एक वर्ड इंग्लिश में एक्लिप्स है ना, लूनर एक्लिप्स। मून का एक्लिप्स मीन होता है छिपना, एक्लिप्स मीन क्या होता है, छिपना। तो अच्छा देखिए अर्थ वालों को मून नहीं दिखाई देगा, कहेंगे चंद्र ग्रहण हो गया, क्या हो गया, क्योंकि मून पे क्या नहीं पड़ रही है, सन की लाइट नहीं पड़ रही है, तो ये हो जाएगा लूनर एक्लिप्स। अब की क्या हुआ, ऐसी चांद नाचते 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 यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये अर्थ है हमारी, ये सन है और ये कौन है, मून है ना। अब देखिए अब ये अर्थ पे जो लोग खड़े हैं, अर्थ पे जो लोग खड़े हैं इनको क्या सन दिख रहा है, सन दिखेगा, सन छुप जाएगा क्योंकि मून बीच में आ गया है। मून और हालांकि मून अर्थ सन से बहुत छोटा है, मून जो है अर्थ से भी बहुत छोटा है, बस ये अर्थ के सूरज से बहुत दूर है, अर्थ के बहुत करीब है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई चीज है और यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई चीज सामने करते तो ये चीज नहीं दिखाई देगी क्योंकि इसके सामने अगर कोई आ जाएगा, ठीक है, उसको क्योंकि पास से देख रहे हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। तो समझिए अब यहाँ पे जब मून बीच में आ गया, अर्थ के अर्थ दो सन के बीच में जब मून आ गया, तब ये क्या हो गया, तब ये हो जाता है सोलर इक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण, सूरज नहीं दिखाई देगा क्योंकि क्या बीच में आ गया, मून। समझ में आई बात, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स का फर्क समझ में आ गया? चलिए ठीक है, बैठिए, ठीक है।